गाइस, तो वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज हम लोग आ चुके हैं बांदा के मेडिकल कॉलेज के बारे में आपको पूरा दिखाने के लिए। ये मेडिकल कॉलेज में क्या क्या है, यहाँ कैसे एडमिशन मिलता है, सब कुछ आपको बताएंगे। बने रहिए व्लॉग में और पूरे आपको कॉलेज का टूर देंगे। तो चलिए इस कॉलेज के अंदर चलते हैं। अब यहाँ के वैसे दो गेट है, एक ये गेट ये रहा, एक दूसरा गेट और है, वो आगे व्लॉग में हम आपको दिखाएंगे। कॉलेज में बहुत से इवेंट हो चुके हैं। एक बार यहाँ पे इंटरनेशनल अर्थ समिट नाम का एक इवेंट हुआ था, साइंस एग्जीबिशन था, जिसमें लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे साइंस के मॉडल्स बनाए थे। यहाँ पे आपको नीट के थ्रू एडमिशन मिलता है एमबीबीएस में। कॉलेज का नाम रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज। इस कॉलेज का पूरा नाम है रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज, जो कि बांदा मेडिकल कॉलेज नाम से भी प्रसिद्ध है बांदा में, वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज। ये देखिए इसके नाम से यहाँ मंदिर आ चुके हैं। यहाँ का एवरेज प्लेसमेंट 27 लाख। प्लेसमेंट तो दूसरी ब्रांचेस में होता है, मेडिकल में तो आप समझ सकते हैं कि मेडिकल लाइन में तो अपना अलग ही चीज है, ब्रांड है। चलिए थोड़ा सा और आगे देखते हैं। अब यहाँ पे आप सबको बिल्डिंग्स का टूर देते हैं। ये मेडिकल कॉलेज बहुत ही एकड़ों में फैला हुआ है, हमने अभी यहाँ पे पूरा एकड़ में पता नहीं, बाकी हम देख के बताएंगे आपको। ये रहा अकादमिक भवन। चलिए यहाँ पे चलते हैं। तो नहीं है पर बंद है, ये इस समय बंद है, इस समय बंद है, इस वक्त दिवाली की छुट्टियों अभी ख़त्म हो गई थी। प्रशासनिक भवन में चलते हैं और यहाँ पे जो बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं उनको क्वार्टर्स दिए गए रहने के लिए। ये रहे वहाँ के इनके क्वार्टर्स, और यहाँ पे जो मेडिकल कॉलेज में जो एडमिशन लेते हैं बच्चे लड़के लड़कियाँ, उनका यहाँ हॉस्टल अलाट होता है। यहाँ पे सभी को यहाँ हॉस्टल्स भी बने हुए हैं और खेलने के लिए प्लेग्राउंड भी बहुत अच्छा है। ये सामने प्लेग्राउंड बना हुआ है, यहाँ पे पार्किंग प्लॉट दिया गया है। और कॉलेज के अंदर ये बैंक भी है। प्रशासनिक भवन की तरफ लेके चलिए, ये सामने चलिए, पहले वहाँ दिखाएं थोड़ा। बैंक है इधर पर, यहाँ पे तो इंडियन बैंक। चलिए यहाँ से मोड़ लीजिए, वो तो बैंक है। कॉलेज के अंदर बैंक भी है, जिसको ज़रूरत होती है वो यहीं आता है कॉलेज में, पैसे निकालने, पैसे निकालने, पैसे जमा करने, अकाउंट खुलवाने, बहुत से काम होते हैं। यहाँ से ले लीजिए। और बहुत सक्रिय रास्ता है, से लेके आ रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा कैसे जा रहे हैं। यहाँ पे एम्बुलेंस भी खड़ी हुई है दो दो बनाने के। यहाँ मेडिकल कॉलेज में ट्रीटमेंट भी होता है, मतलब बांदा में मेडिकल अस्पताल भी है, सरकारी अस्पताल, लेकिन अगर वहाँ से कोई रेफर होता है तो सबसे पहले उसको यहीं दिखाने आते हैं लोग। प्रशासनिक भवन, ये हम प्रशासनिक भवन आ चुके हैं। वहाँ भी चलते हैं अभी, अभी हम यहाँ आ चुके हैं प्रशासनिक भवन। यह प्रशासनिक भवन के अंदर आ चुके हैं। ये रहा पुस्तकालय, यहाँ का लाइब्रेरी, यहाँ बहुत बड़ी लाइब्रेरी है मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए। लोग मिले थे, अच्छे अच्छे लोग, ये देख ले ऊपर, ये देखिए पूरा हॉस्टल के लोग, कुछ बच्चे बैठे हुए हैं। कौन से ब्लॉक में चलना चाहते हैं? वहाँ रोगी ब्लॉक, वहाँ रोगी, वहाँ पे मतलब क्या होता है, सारा इलाज किया जाता है, बट एक रुपए में, एक रुपए का मतलब पर्चा कटता है। हाँ बस उसमें सारे टाइप के इलाज पूरे, हाँ पूरे एमबीबीएस डॉक्टर सारे।
मतलब यहीं का स्टाफ होगा जो यहाँ के पास ट्रेनी भी होते हैं बच्चे। अच्छा यहाँ के ट्रेनी भी है, वार्ड ब्लॉक एक प्रकार से प्रैक्टिकल करवाया जाता है उनको रोगियों को देखने के लिए, ट्रेनिंग दी जाती है कि जिससे कि वो बेस्ट डॉक्टर बन सके। चलिए अंदर चलते हैं, इधर इधर से घूम के चलते हैं, उनको उस एंड में जाना है दूसरे गेट में। सारे हॉस्टल हैं, ये रहे सारे हॉस्टल, जितने भी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेते हैं इनको यही हॉस्टल अलॉट होता है। अब यहाँ पे हम आ चुके हैं इमरजेंसी वार्ड, यहाँ नहीं यहाँ पे सामने ये मतलब दिखाया गया है इमरजेंसी वार्ड है, ये इमरजेंसी वार्ड है जिसको मतलब इमरजेंसी होती है जिस पेशेंट को उसको यहाँ लेके आया जाता है। यहाँ एम्बुलेंस 24 आवर सर्विस भी दी जाती है। ज़्यादा ही आगे आ जाए। ये रहा मतलब हमने आपको कहा था ना ब्लॉग में आप दूसरा गेट दिखाएंगे, ये रहा मेडिकल कॉलेज का दूसरा गेट, यहाँ से मतलब आप आ भी सकते हो जा भी सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा टाइम क्लोज रहता है, वो फर्स्ट गेट ही खुला रहता है मेडिकल कॉलेज का। देखिए ये बाहर रोगी वाला है, पूरा इलाज यहाँ पर होता है, बंद है आज के दिन। ये कौन सा है? ये पूरा रोग यहाँ पर रोग इलाज होता है यहाँ पर। अच्छा, जहाँ पे एक रुपए का पर्चा कटता है जो आपने बताया था प्रधानमंत्री जन औषधि के, यहीं पे प्रधानमंत्री जन औषधि के क्यों बंद है या फिर समय ज़्यादा हो गया, 2 बजे बंद हो जाता है। हाँ 2 बजे हॉस्पिटल बंद हो जाता है। अच्छा 2 बजे बंद हो जाता है इसलिए आज बंद हो गया है, हम लेट आए हैं वरना दिखाते हैं आपको। चलिए आगे चलते हैं, जहाँ पोस्टमार्टम होता है रोगी। ये क्या है सामने? भारतीय जन औषधि के रिश्तेदार आवास, रहने वाले के लिए आवास दिया जाता है, जो लोग मतलब पेशेंट के रिश्तेदार होते हैं उनके लिए आवास भी यहाँ बनाया गया है। यहाँ पे मतलब जो पेशेंट यहाँ पे एडमिट होते हैं उनके लिए यहाँ पे आवास बनाया गया है, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र। और ये सामने से आप देख सकते हैं रोगी रिश्तेदार आवास, नाम बहुत अच्छा दिया गया है। तो मेडिकल कॉलेज में आपको बस इतना ही दिखाना चाहेंगे, और एक दो चीज़ें और बची हैं, बने रहिएगा वीडियो में, हम आपको अभी दिखाते हैं। अब हम कहाँ चल रहे हैं? पोस्टमार्टम जहाँ होते हैं, मर्सरी कहलाता है उसे, मर्सरी बोलते हैं। अच्छा, जो डेड बॉडीज होती है उसका जो पोस्टमार्टम जहाँ पे होता है, चलिए वहाँ चलते हैं देखते हैं वहाँ पे क्या है। इधर जाना अच्छा नहीं होता है क्योंकि ये प्रेक्षागृह क्या है, ये प्रेक्षागृह, चलिए थोड़ा सा प्रेक्षागृह दिखा दिया जाए। देखिए मर्सरी हम आपको दूर से ही दिखाएंगे क्योंकि वहाँ पर मेरे ख्याल से लोग हैं। ये प्रेक्षागृह में ही क्लासेस होती हैं क्या स्टूडेंट्स की? एक अकादमिक भवन भी बना है सामने प्रेक्षागृह में, जो सत्याग्रह होते नहीं है जैसे आंदोलन आंदोलन टाइप के। अच्छा अच्छा, वो लोग बच्चे लोग किया करते हैं, इवेंट वगैरह जो सब होता है, सब कुछ होगा, उनके राइट्स होते हैं। ये देखिए प्रेक्षागृह है ये मेडिकल कॉलेज का, ये देखिए मैजिकल राइट्स आर है। अच्छा, ये तो अभी बंद हो चुका है क्योंकि कॉलेज की क्लोज टाइमिंग आई है। ये अकादमिक भवन है, ये सामने अकादमिक भवन, यहाँ क्लासेस लगा करती हैं स्टूडेंट्स की। तो अब हम आपको लेके चलते हैं जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, पोस्टमार्टम जहाँ पे हुआ करता है। वैसे हम उसके अंदर नहीं जाएंगे क्योंकि वहाँ अलाउ नहीं है जाना किसी को, और यूनिवर्सिटी टॉप से दूर से ही दिखाएंगे आपको क्योंकि वहाँ पर लोग हैं, हमारा जाना अच्छा नहीं रहेगा, अच्छा नहीं होगा क्योंकि वहाँ जाना ठीक नहीं होता क्योंकि वहाँ शायद अभी पोस्टमार्टम चल रहा है यूनिवर्सिटी। ये देखिए यहाँ पे पोस्टमार्टम हुआ करता है बोल मार्चरी ब्लॉक, ये हमारे में जाना नहीं चाहिए वैसे यहाँ पर, तो मैंने यहाँ जाना है मार्चरी और अटॉक्सी, अटॉक्सी दोनों एक ही चीज़ है। पोस्टमार्टम अंदर से दिखाते पर यहाँ पर लोग अंदर से दिखाते, लेकिन यहाँ पे अलाउ भी नहीं होगा जाना और सही भी नहीं है जाना यहाँ अंदर, तो कमाओ चलते हैं घर से।
देख सकते हैं कितना अच्छा व्यू है मेडिकल कॉलेज में। पेड़ पौधे नेचुरल, तो बस मेडिकल कॉलेज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यहाँ आना है, एडमिशन लेना है, तो यहाँ आप आ सकते हैं। बहुत ही अच्छा कॉलेज है और नीट के थ्रू यहाँ MBBS में एडमिशन मिलता है। तो और डॉक्टर्स भी यहाँ बहुत ही ट्रेंड है, वेल ट्रेंड, और यहाँ ट्रीटमेंट भी बहुत अच्छा दिया जाता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बने रहिएगा आंसू ब्लॉग्स के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।